हाय फ्रेंड, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने सब्सक्राइब किए हुए चैनल को कैसे हाइड कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब दिख रहा है, आप जल्दी से उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो चलते हैं इस वीडियो की ओर और समझते हैं कि अपने चैनल पे जो हम सब्सक्राइब किए हुए दूसरे चैनल रहते हैं उनको कैसे हाइड कर सकते हैं, ताकि मेरे दूसरे व्यूअर मेरे चैनल को ना देख पाए कि मैं कौन कौन सा चैनल सब्सक्राइब किया हूँ। और दूसरा कि जो मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोज़ की एक अपने कलेक्शन की प्लेलिस्ट बनाता हूँ, जो मैं अपना प्राइवेट रखना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मैं ही देखूँ और मेरे व्यूअर मेरे प्लेलिस्ट ना देख सकें, उसको भी कैसे हाइड किया जाता है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। फ्रेंड देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, या आप भी यूट्यूबर होंगे या नहीं भी होंगे, तो आप जो यूट्यूब चलाते हैं वो एक ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ रहता है, और उसके बाद में आप जो भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं आपके सब्सक्राइब एक लिस्ट होता है, उसमें सारे शो होते रहते हैं कि आप कितने चैनल सब्सक्राइब किए हैं और कौन कौन सा चैनल है, जिससे अगर आप उन्हें प्राइवेट रखना चाहते होंगे, सोचते होंगे कि मेरा ये कोई ना जान पाए, लेकिन ये दूसरे लोग भी देख सकते हैं कि आप कौन कौन सा चैनल सब्सक्राइब किए हो। और जो आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे ब्राउज में, उसमें से कोई वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है, बारे में आप सोचते होंगे कि मैं इसे अपने पास सेव कर लूँ, प्राइवेट रहे, सिर्फ मैं ही देखूँ और कोई नहीं देख सके, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन जब आप ऐसे सेव रखेंगे तो दूसरा व्यूअर आपका देख सकता है आपका प्लेलिस्ट, तो उसे भी हाइड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन कैसे हाइड करना है मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको पहले अपना यूट्यूब एप्लीकेशन से YouTube खोल लेना है और अपने चैनल पे चले जाना है। आप अपने चैनल पे जाएंगे तो नीचे दो ऑप्शन दिखता होगा, एक एडिट चैनल और एक मैनेज वीडियो। तो आप एडिट चैनल पे जाइए, एडिट चैनल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। प्राइवेसी का ऑप्शन में दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइबर प्राइवेट के लिए, और दूसरा उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा प्लेलिस्ट प्राइवेट के लिए। तो अगर आप अपना जो सब्सक्राइब किए हैं चैनल उनको सिर्फ प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसके सामने जो बटन दिख रही है उसको ऑन कर दीजिए। अगर आप अपने प्लेलिस्ट को जो आप सेव किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए देखने के लिए, अगर उसको भी आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसके नीचे का जो ऑप्शन है प्लेलिस्ट प्राइवेट, उसके सामने की बटन को ऑन कर दीजिए। ये दोनों बटन ऑन कर देंगे तो आपके जो दूसरे व्यूअर रहेंगे वो आपके सब्सक्राइब किए हुए चैनल को और आपके प्राइवेट प्लेलिस्ट को, जिसमें आप अपने चॉइस के अपने पसंद के वीडियो कलेक्ट किए हैं, उन चीज़ों को कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप अपने चैनल से देख पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तो फ्रेंड ये रही छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बारिश बहुत हो रही है ठंडी में।